पेल्विक ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेल्विक बोन इज दिस एरिया जिधर अंदर यूट्रस है, बच्चा डेवलप हो रहा है, और उस एरिया को जितना फ्लेक्सिबल रखोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उस एरिया को जितना ओपन रखोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा. एंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू क्लोज टू फाइनल डेज जब भी एक्चुअल आपका डिलीवरी पास में आने वाला है. डिम्पल इज बेसिकली इन अंडर फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम लोग उसको विदाउट बॉल करवा रहे हैं. बाकी तीनों के लिए डूइंग इट ऑन द बॉल इज वेरी बेनिफिशियल. एक तो आपका टेलबोन का हिस्सा बॉल के अंदर दब जाता है, सो इट्स काइंड ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बेंट टू दैट एरिया, और वो सारे मूवमेंट्स करना बहुत ईजी हो जाता है. दूसरा, इसके लिए पेट में वजन नहीं है तो इट गोज लिटिल ईजी. इन तीनों के लिए बॉल है तो चलो अच्छा अच्छे से हो जाता है. सो वन थिंग दैट आई कैन एक्चुअली हेल्प, सो फर्स्ट आई बी टॉकिंग अबाउट हाउ डिम्पल एंड आई शुड बी डूइंग. डिम्पल, जस्ट टेक बिट ऑफ पोजिशन, गो स्लाइटली डाउन, कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड जस्ट डू 1, 2, 3. सो जस्ट टेक टिल्ट. गर्ल्स, सेम थिंग ऑन द बॉल, जस्ट जेंटल शिफ्ट ऑन बोथ द साइड्स. So if you all see, they are not swinging. It's just there and up and down. So it's a very little bit movement. It's basically that this area that goes up and down, up and down. Girls, continue doing. So ideally 20 on each side, close to 40. How many times we can do or how many sets you can do? One set should be good enough if you are in just entered your third trimester. Close to 9th month, yes. Pelvic bone opening or pelvic muscle opening. ज्यादा रिपीटेशन में करते हो तो इट्स एनी टाइम बेटर. ओके गर्ल्स, स्टॉप. सेकंड थिंग, सो डिंपल एंड आई, सो दोनों पाव में डिस्टेंस, जस्ट गो लिटिल बिट डाउन. गर्ल्स, सी दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज एज इफ यू आर ट्राइंग टू गेट योर टेलबोन इन फ्रंट. सो इट्स बेसिकली योर टेलबोन एंड योर प्यूबिक एरिया. सो टेलबोन इन फ्रंट, प्यूबिक एरिया बैक, टेलबोन इन फ्रंट, प्यूबिक एरिया बैक. दैट्स व्हाई दे से दैट बेली डांसिंग बहुत अच्छे से काम करता है आपके चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में, या आपके प्यूबिक हेल्थ के प्रोसेस में, या यूट्रस के प्रोसेस में, यूट्रस हेल्थ के प्रोसेस में. इट एक्चुअली हेल्प्स. सो यू गो लिटिल बिट डाउन एंड देन यू गो फ्रंट एंड बैक 20 टाइम्स. गर्ल्स, डू इट ऑन द बॉल, जस्ट फ्रंट एंड बैक. सिक्स मोर टू गो. इज अ वेरी गुड वे टू ओपन अप योर एंटायर एरिया एंड टू क्रिएट अ गुड पैसेज आपके बच्चे के लिए. सो दिस कैन एक्चुअली हेल्प. वेरी गुड. एंड लास्ट वन. रिलैक्स. सो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, इनफैक्ट कोई प्रेग्नेंट नहीं भी है, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर यूट्रस हेल्थ, दैट कैन एक्चुअली हेल्प. नेक्स्ट पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज कैमल एंड कैट. सो डिम्पल विल बी डूइंग अ प्लेन कैमल एंड कैट, बैठ के. थैंक यू. सो कैमल एंड कैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपके पेल्विक बोन को ओपन अप करने में हेल्प करती है, आपका कोर स्ट्रेंथनिंग बढ़ाती है, इट मेक्स यू फील बेटर एट योर प्यूबिक एरिया. सो व्हाट डिंपल इज डूइंग, डिंपल जस्ट लुक अप, डाउन, लुक डाउन एंड बैक अप, स्लोली टर्न and continue doing it for 10 repetitions. For all the girls on the ball, in case you feel it's not very comfortable to do camel and cat, you can do that on the ball as well. Girls, just put your, drop your hands down and go back. So just they'll be bending as much as they can and then come up and stretch up, 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 stretch, look up, relax, वापस आगे चले जाओ, stretch, very good, go back. वेरी गुड. वापस आगे एंड पीछे. वेरी गुड. रिलैक्स. लास्ट वन दैट वर्क्स ब्रिलियंटली वेल फॉर द प्यूबिक ओपनिंग एंड एट द सेम टाइम पेल्विक एरिया फ्लेक्सिबिलिटी. एंड थर्ड एंड अ वेरी बेनिफिट पॉइंट इज दैट इट एक्चुअली हेल्प्स योर बेबी टू डिसेंट इनटू द बर्थ कैनाल. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अ जेंटल बाउंस. सो डिंपल विल जस्ट टेक अ रेस्ट. रेस्ट थ्री ऑफ यू, जस्ट अ जेंटल बाउंस ऑन द बॉल. Just a gentle bounce. Enjoy? Yes. Okay. See, for all of you, whenever I take this particular exercise for girls, no, they are very happy. They first tell me, Shreya, इसमें बहुत मजा आता है. Basically, इस exercise में आप भूल जाते हो कि आप बड़े हो, फिर आप भूल जाते हो कि आप pregnant हो. So this is very helpful exercise, specially third trimester में. जिनके पास birthing ball है, do it. जिनके पास birthing ball नहीं है और आपके आसपास भी ऐसा कोई workout center नहीं है, तो आप बर्दिंग बॉल खरीद लो, बड़ा मजा आता है उसके ऊपर बैठ के. जस्ट 10 मोर टू गो, 9 मोर टू गो, 8 मोर टू गो, 7 मोर टू गो, 6 मोर, 5 मोर, 4 मोर, 3 मोर एंड 2 मोर. रिलैक्स योरसेल्फ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
Dimple and I will be doing standing. See, for we both, it's plain hip rotation. For rest, three of you, try and do hip rotations on the balls. One. This is a very good pelvic area opening exercise. Two. Three. Four. And five. Reverse. Five. Four. Three. Two. And one. Relax yourself. So that's sitting on the ball. Now just release the balls. Keep your balls on the sides and sit in Vajrasana. Dimple and I will be doing in plain Vajrasana. See, for all of you, when Dimple will start doing all these exercises, probably 1.5 months down the line. So now what we'll be doing with the ball is, just check, keeping ball next to you. Girls, take your balls. Is basically just sleeping on it. Legs are not too much spread, not too much close. Take your position and just you are trying to relax your muscles. Just do it. It feels very good. Dimple, are you excited about doing all these exercises in future? It's nice. Ah, yeah. So, see, for all mamas, this is a very good relaxation. It actually helps you to feel better. Okay, girls, two more. And relax. Very good. Relax yourself. In case you are like Dimple, who is very early in her stages of pregnancy and she wished to do a stretch with the ball, Dimple, just come in front, I'll show you. So basically what she can do is, like, just a moment. So she has to be sitting on her knees, stretch and then relax. This feels superb at the back. So Dimple, you can just sit straight. You too can also try. Just be on your knees and just stretch your ball in front. Head should hang in between. Just feel the stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Relax your head. 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly release. Very good. Was it good? Yes. So these are few stretches that will actually help you relax your pelvic area, relax your pubic area and feel good. So thank you so much, all of you. Take care. Keep watching and do subscribe. Bye.